हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे TVS रेडर के बारे में 5 निगेटिव्स बताने वाला हूँ, जो कि मैंने इन एक साल में इसको लेने के बाद फील करे हैं। तो इस गाड़ी को लेके मुझे अब एक साल होने वाला है अगले मंथ में 23 तारीख को। तो अब तक मुझे इसके बारे में इसके 5 ऐसे बड़े बड़े इसके निगेटिव्स लगते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके निगेटिव नंबर 1 से, तो वो है इसके हेडलाइट के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें ये LED DRLs और ये LED हेडलाइट का सेटअप आपको मिल जाता है। और ये ऊपर के वाले इसके ये है लो बीम और ये है इसका हाई बीम। तो लो बीम के बारे में तो कोई भी यहाँ पर मुझे शिकायत नहीं लगती। लो बीम का थ्रो भी अच्छा है और उसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी ब्राइट लाइट उस वो प्रोड्यूस करता है। मान लो अगर ये रोड है तो लो बीम यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा एरिया काफ़ी कवर कर लेता है और काफ़ी दूर तक इसका लो बीम जो है कवर कर लेता है। पर जब बात आती है इसके हाई बीम की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है इसका हाई बीम, जब इसकी बारी आती है तो ये इतना घटिया लाइट प्रोड्यूस करता है और इतनी कम जगह ये लेता है। मान लो अगर लो बीम यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर कर रहा हो और काफ़ी अच्छी लो बीम जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, पर जब बात आती है हाई बीम की, तो हाई बीम होता किस लिए है कि काफ़ी दूर तक आप उसे देख सको और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाए। पर जब इसके हाई बीम की बारी आती है तो इसका हाई बीम सिर्फ इतना सा ही एरिया कवर कर पाता है, जबकि इसका लो बीम यहाँ से यहाँ तक कवर करता है और हाई बीम सिर्फ इतना सा एरिया कवर करता है और जाता भी बहुत दूर नहीं है, सिर्फ कुछ दूरी तक ही जाता है। और वो ब्राइट भी नहीं है, काफ़ी डिम उसका हाई बीम है, तो बिल्कुल भी इसका हाई बीम काम का नहीं है। तो अब बात करते हैं निगेटिव नंबर 2 से, तो वो मुझे लगता है कि इसकी जो ये डिस्क ब्रेक है, इसको इस गाड़ी को लेने के बाद ही मुझे भाई इसके डिस्क ब्रेक से 10-12 दिन होने के बाद ही इसके डिस्क ब्रेक से भाई ऐसे चू 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 ऐसी कुछ आवाज़ आने लगी थी। तो फर्स्ट टाइम सर्विस जब मैंने कराई तो उनको मैंने दिखाया, तो उन सर्विस वाले भाई ने उसकी डिस्क में जो ये पैड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो इसके पैड्स वगैरह होते हैं, वो क्लीन सब कुछ करके मुझे दे दिया। तो जैसे ही मैंने सर्विस होने के बाद शोरूम से गाड़ी बाहर निकाली अपनी, तो थोड़ी देर तक वो चूचू वाली आवाज़ नहीं आई, पर उसके बाद कुछ किलोमीटर चलाने के बाद फिर से वही आवाज़ होने लगी। फिर 6 महीने बाद जब इसकी दूसरी सर्विस आई तो मैंने उनको फिर से दिखाया, तो उन्होंने फिर से वो साफ़ करके दिया और फिर से वो आवाज़ जो है थोड़ी किलोमीटर के लिए बंद हो गई और फिर से एक बार वो आवाज़ चालू हो गई। पर इस बार जो अब वो आवाज़ आती है तो इतनी लाउड नहीं आती है जैसे कि पहले, बहुत ही शोर करती थी, मतलब गाड़ी के आवाज़ से भी ज़्यादा वो चूचू वाली ज़्यादा आवाज़ आती थी। पर आवाज़ थोड़ी कम हो गई, मतलब कम हो गई है, सुनाई नहीं देती पर आती ज़रूर है। और बात करेंगे तीसरे निगेटिव के बारे में, तो वो मुझे लगता है इसके ये चार्जर के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी कुछ यहाँ पर चार्जर की पोजीशन मिलती है, पर अभी आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप इस गाड़ी को इस टाइम पे लेने जा रहे हो तो कंपनी इसमें चार्जर जो है प्रोवाइड कर देती है। पर जैसे कि मैंने ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उसके 1-2 महीने बाद ही ली थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऐसे हमें चार्जर ये लगा के नहीं मिलता था, ऐसे सिर्फ ये ढक्कन उस पर मिलता है जिसको आप ऐसे निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे इसका ढक्कन निकल जाता है। तो मेरी TVS वालों से यही कंप्लेंट है कि अगर आपको चार्जर इस बाइक में देना ही था तो उन्होंने, जैसे कि अभी मिल रहा है मॉडल में, वो कंपनी फिटेड ही मिल जाता है, आपको फिर वापस जाके शोरूम पे लगाना नहीं पड़ता। तो अगर आपको इसमें चार्जर देना ही था तो पहले ही देना चाहिए था TVS वालों को। तो अब बात करते हैं गाइज इसके चौथे निगेटिव के बारे में, जो कि है इसका ये इको और पावर वाला मोड। तो जैसे कि TVS ने हमें इस बाइक में इको और पावर ऐसे 2 मोड दिए हैं, तो जिस हिसाब से ये मोड दिए हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करते, और जिस हिसाब से इन्हें नहीं दिया गया है वो उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी में ये जो 2 पावर मोड्स दिए गए वो किसके लिए दिए गए हैं कि इको में आपकी गाड़ी कम पावर जनरेट करे और ज़्यादा अच्छी माइलेज दे, और पावर में ज़्यादा पावर जनरेट करे और कम माइलेज दे। पर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आप गाड़ी को इको में चलाओ या फिर पावर में चलाओ, आपको कुछ भी भाई इसमें पावर का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जो भी लोगों ने आपको बताया होगा कि इको में कम भागती है पावर में ज़्यादा भागती है, ऐसा कुछ भी इसमें सीन नहीं है। किसी में भी चला लो आप, आपको पावर जो है सेम ही देखने को मिलेगी। सिर्फ पावर में अगर आप इसको डालेंगे तो इसका थोड़ा आवाज़ का ट्यूनिंग बदल जाती है भाई, थोड़ी ज़्यादा ऐसी लगती है कि आपको ये भाग रही है, फिर उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है इससे।
तो इसके बजाय अगर आप यहाँ पे एक तो किल स्विच देते थे तो वो काफ़ी अच्छा रहता। पर किल स्विच का भी आप दूसरी तरह के से काम कर सकते हो, जैसे कि इसमें ये साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आता है। मान लो अगर आपकी गाड़ी गियर में है तो वो चालू नहीं होगी, तो इसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं कि हम गाड़ी को खड़े कर दिए चलाने के बाद, तो अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो गाड़ी अगर फर्स्ट गियर में है तो स्टैंड लगा दो, आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। तो ऐसे कुछ आप किल स्विच के जगह इसका यूज़ ले सकते हो। पर उसके जगह पे मुझे जो लगता है कि TVS को एक फ़ीचर देना चाहिए था, तो वो है कि जैसे इनकी ही दूसरी बाइक्स में अपाचे हो गई या फिर रेडियन हो गई, उसमें भाई यहाँ पर हमें एक बटन मिलता है डेडिकेटेड, तो उस बटन से आप गाड़ी के एक तो DRL को ही ऑन रख सकते हो या फिर इसके हेडलाइट को ऑन रख सकते हो। पर इस गाड़ी में ऐसा कोई बटन नहीं मिलता, तो उसकी वजह से जैसे ही हम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ये दो लाइट इसकी चालू हो जाती है, जो कि जितनी टाइम आप गाड़ी को चलाओगे वो उतने ही टाइम चालू रहेंगी। तो अगर ये बटन उसमें दे देते तो ये काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि इसकी DRL की लुक जो है पूरी वो ख़राब हो जाती है जब ये दो लाइट लग जाती है। तो अब बात करते हैं भाई TVS रेडर के फिफ्थ निगेटिव के बारे में, जो मुझे लगता है कि जो मुझे लगा है इस एक साल में। तो अभी तक मैंने जो पहले चार निगेटिव्स बताए हैं उसको तो आप कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हो, आप उसमें कुछ मतलब उतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है उसमें इश्यू। पर ये जो फिफ्थ वाला निगेटिव मुझे लगता है वो तो काफ़ी सीरियस है भाई, इसको कुछ करना चाहिए TVS को इसके बारे में। तो वो ऐसा है कि मान लो अगर हम गाड़ी को चला रहे हो ऐसे रोड पे मस्त फिफ्थ गियर में, आप गाड़ी को भगा रहे हो 60-65 की स्पीड पे, और एकदम से अगर कुछ ऐसा ख़राब रास्ता आ गया या फिर ब्रेकर आ गया, तो आपको वहाँ पर गाड़ी स्लो करके गियर डाउन शिफ्ट करने हो। तो फिफ्थ गियर से अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी सेकंड गियर में चली जाएगी तो आप सेकंड गियर डालने जाओगे, तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे सेकंड गियर के लिए, तो ये सिर्फ ऐसे घूमेगा, सिर्फ ऐसे ये मतलब नीचे जाएगा फ्री होके, आपका गियर जो है नहीं लगेगा। तो कितने भी आपको इसको नीचे प्रेस कर लो ये गियर नहीं लगेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना होगा कि गाड़ी स्लो करके इसको एक तो अप शिफ्ट करना होगा, मतलब तीसरे चौथे या फिफ्थ गियर में इसको डालना होगा, तभी इसका फिर से वो नीचे वाला गियर लगेगा। नहीं तो अगर आपको इसका गियर लगाना हो तो मुझे उसकी टेक्निक पता चल गई है कैसे लगाना हो। तो जब ये स्लिप होता है ना, तो क्या करने का, थोड़ा ये क्लच ऐसा मीडियम पे रखने का और ये एक्सेलरेट करने का, तो ऐसे कट करके वहाँ से आवाज़ आएगी, मतलब इतनी बड़ी नहीं आती, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, आपको समझ जाएगा कि एयर लग चुका है, तो ऐसे इसका गियर लगता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो हर बार तो नहीं आती, मतलब 100 में से 1-2 बार ही आ जाती है, पर जब आती है तो भाई बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसका गियर लगता ही नहीं है। तो यही कुछ थे भाई इसके बारे में निगेटिव्स जो मुझे इस एक साल में फील हुए हैं। तो यही कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।